सॉक्स का क्या करूँ, सॉक्स तो पूरे के लिए हो गए। पैंट के जेब में रख लो फिर सॉक्स। ठीक है वही करना पड़ेगा। मुझे तो मत ही देना। तुम्हें को दबाऊंगी। मैं थोड़ा सा पेड़ हिलाऊ क्योंकि पत्ते बहुत गिर रहे हैं, पर लोग पता नहीं कोई तमाशा ना क्रिएट कर दे, वरना तो मैं ऐसे झगड़ाने वाली थी, थोड़ा झका देती हूँ। अपना इंडियन वाला आदत नहीं छोड़े रहता। So, आज मैं और सत्या जा रहे हैं टोरंटो आइलैंड में, क्योंकि अभी कनाडा में फॉल का सीजन आ चुका है और फॉल लगभग स्टार्ट हो चुका है। तो आज हम लोग जाएंगे टोरंटो आइलैंड और हम लोगों ने टिकट वगैरह ऑलरेडी बुक करवा चुके हैं। अभी ऑलमोस्ट 2 बज चुके हैं और 2:40 को हम लोगों का फेरी है टोरंटो आइलैंड के लिए। सो अभी हम लोग जा रहे हैं वहीं पर। सो अभी हम आ चुके हैं जैक लेटन फेरी टर्मिनल में। तो अभी इधर काउंटर में हमको टिकट दिखाना होगा, उसके बाद ही हम उस पार जाएंगे। तो यहाँ पर 3 आइलैंड के लिए फेरी जाता है। ये है हेनलेंस पॉइंट के लिए जो अभी बंद है, तो ये है सेंटर आइलैंड का फेरी इधर खड़ा है, और उधर है वॉट्स आइलैंड का फेरी उस तरफ है। तो हम लोग जाने वाले हैं सेंटर आइलैंड, तो हम लोग उधर लाइन पे लग जाएंगे अभी। सो यहाँ पर फॉल शेडी लगा हुआ है, मतलब फेरी कौन से आइलैंड पे कितने टाइम से कितने टाइम तक जाएगी। अपने लिए कॉफ़ी बनवा रहे क्योंकि बाहर बहुत ठंडी है, तो इनको भी कॉफ़ी चाहिए क्योंकि इनके गले में पेन होना स्टार्ट हो गया और मुझे भी थोड़ी सी हवा में हालत खराब हो गई, तो कॉफ़ी ले रहे हैं। तो कॉफ़ी वगैरह तो ले लिया है, पर बाहर लाइन स्टार्ट हो गया है, हम लोगों को भी बाहर जाना पड़ेगा, लाइन पर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 2:40 में वो आ गया। सो मैं आके लाइन पे खड़ी हो गई हूँ, सत्या बाद में आएगा क्योंकि उसको गले में ऑलरेडी खराश स्टार्ट हो गया हवा के चक्कर में, क्योंकि मुझे आगे का व्यू चाहिए आप लोगों को दिखाने के लिए पानी का, तो इसीलिए मैं आगे खड़ी हो गई हूँ। बहुत ठंडी लग रही है। ये है सेंटर आइलैंड का बोट और मैं सबसे पहली ऑलमोस्ट पहली जा रही हूँ। मैं आ चुकी हूँ और मैंने अपना जगह ले लिया क्योंकि ये इसी जगह से व्यू बहुत अच्छा आता है। बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि ऊपर इतनी ठंडी थी, हाथ और दर्द होना स्टार्ट हो गया था, कि जितना भी शूट करना था मैंने कर लिया। मैं नीचे आ गई सत्या के पास, सत्या नीचे बैठा हुआ था खांसी के चक्कर में, इतनी ठंड थी, मेरा नाक बहना चालू हो गया, आंखों से पानी गिरना स्टार्ट हो गया कि मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अभी भी कम से कम लोगों को 10 रहेगा, मुश्किल से 15 लगता है, उससे ज़्यादा वैसे भी लगता है आइलैंड पहुँचने में। इतना सुंदर, मतलब इस पेड़ का कलर है अभी, ऐसा नहीं कि सारे कलर पेड़ों के कलर चेंज हो गए हैं, बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जो अभी भी ग्रीन है और कुछ कुछ है जो पूरी तरीके से चेंज हो रहा है। तो ये एक और पेड़ है जो एकदम कम्प्लीटली येलो कलर में हो चुका है और कितना अच्छा लग रहा है कलर, उसका कलर डिफरेंट, इसका कलर डिफरेंट, और ना कुछ कुछ पत्तियाँ भी झर भी रही है। कुछ दिनों के बाद तो यहाँ पर किसी भी पेड़ में एक भी पत्तियाँ नहीं बचेंगी क्योंकि ठंड कम्प्लीटली जब आ जाएगा तब पत्तियाँ नहीं रहती। मेरे को तो मन कर रहा है मैं थोड़ा सा पेड़ हिलाऊँ क्योंकि पत्ते बहुत गिर रहे हैं, पर लोग पता नहीं कोई तमाशा ना क्रिएट कर दे, वरना तो मैं ऐसे झगड़ाने वाली थी, झका देती हूँ। अपना इंडियन वाला आदत नहीं छोड़े रहता, नहीं गिरेगा, एक भी पत्ती नहीं गिरा। हाँ तो ये ऐसा थोड़ी ना, हवा जब आ रहा था ना तो एक आध गिर रहा था, अभी एक भी नहीं गिरा। गिर भाई गिर, खुद से फाड़ लिया मैंने। चल चल चल, नहीं गिर रहा। मैं इससे पहले भी, मैं और सत्या एक बार इस आइलैंड पे आ चुके हैं। यहाँ पे टोरंटो आइलैंड में 3 आइलैंड्स हैं, ठीक है, और तीनों आइलैंड को मिला के मैंने एक व्लॉग ऑलरेडी बनाया हुआ है जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, और मैं उसका जो लिंक होगा ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। इस पेड़ का जो कलर है ना वो थोड़ा पर्पल टाइप का कलर है। मैं नज़दीक से पत्ती दिखाती हूँ, पता नहीं वीडियोज में तो उतना समझ में आ भी रहा होगा कि नहीं, थोड़ा सा पर्पल टाइप का कलर है। नहीं, इधर से ग्रीन है, उस तरफ से पर्पल कलर है। पर ये जगह कितना सुंदर लग रहा है ना, मन कर रहा है इधर चटाई बिछा के लेट जाए। इसीलिए के जो पत्ते वो काफी येलो येलो हो चुके हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, किसी को पता है तो हिंदी में प्लीज बता देना, मुझे इंग्लिश में भी नहीं पता इसको बोलते क्या। कोचू का पत्ता, इसको काट के हम लोग सब्जी खाते हैं, उखाड़ के लेके जाए क्या,
ये पता नहीं ये कोई और ही पत्ती हो जो कुछ के पत्ती की जैसे दिख रहा हो, क्या पता। उस कॉर्नर में बहुत सारे फ्लावर्स हैं, कुछ लोगों के पास कुछ नहीं दिखेगा, मुश्किल से हफ्ता 10 दिन और, उसके बाद सारे के सारे पेड़ों में एक भी पत्ता नहीं बचेगा ठंडी के चक्कर में, क्योंकि स्नोफॉल होने वाला है। मुश्किल से एक हफ्ते बाद ही स्नोफॉल दिखा रहा ना, एक हफ्ता 10 दिन के बीच में ही स्नोफॉल दिखा रहा। आज टेम्परेचर 4 डिग्री है, सो आप सोच सकते हो कि 4 डिग्री मतलब काफ़ी ठंडी, और फील्स ट्रैक तो शायद उससे भी कम होगा क्योंकि काफ़ी तेज़ हवा है, और ये हवा ना एकदम ठिठुराने वाला हवा है। मतलब अंदर 2 पहन के आई हूँ, अब सोच रही हूँ कि एक और पहनती तो काफ़ी अच्छा रहता। हम लोग काफ़ी दर्द में है, पर दर्द में भी वीडियो शूट कर रही हूँ। सो ये रहा सेंटर आइलैंड जहाँ पर अभी हम लोग हैं, और उस तरफ है वॉर्ड आइलैंड, उस तरफ, एंड उस तरफ है हेनलेंस पॉइंट। और धूप सेक रहा था, मैं आ गई तो बेचारा डर के मारे भाग रहा है। सेको सेको भाई सेको। यहाँ पर मैं आ गई हूँ रील्स बनाने के लिए, नीचे पानी के पास बहुत ही ज़बरदस्त वाले रील्स आएंगे, तो मैं सत्या को बोली कि चल आ जा इधर। नहीं बोलो करोगे? नहीं नहीं प्लीज नहीं प्लीज करना नहीं। इसको मैं रील्स बनाने के लिए कब से बना रही हूँ, प्लीज प्लीज। बस तुम्हारा फेस तो नहीं आएगा, तुम्हारा हाथ चाहिए खाली, तो ये बस हाथ देगा, मैं हाथ के ऊपर हाथ दूंगी। प्लीज 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 ना प्लीज ना। देखो भाग रहा है वे यार, मैं किसी को भी यहाँ पर से पकड़ के उसका हाथ मांग के मैं बोलूंगी मेरे को एक रील्स बनाना, आप अपना हाथ दे दो 2 मिनट के लिए। पहले बैठ जाओ। फिर से तो मिट्टी में ही है, पैरों में बहुत दर्द हो गया। उधर चले जाओ, उस तरफ चले जाओ, उधर जाकर कर लेना। अब पैर सुखाओ थोड़ी देर। सॉक्स का क्या करूँ, सॉक्स तो पूरे गीले हो गए। सूख गए हैं? चलो नहीं, पूरे गीले हो चुके हैं। तुम्हारे पास कोई उपाय है? पैंट के जेब में रख लो फिर सॉक्स। ठीक है वही करना पड़ेगा। मुझे तो मत ही देना। तुम्हें को फेंक के जाऊंगा यहाँ से। बोल रहा तुम ही रहने वाले। अरे लोग देखो उस पार जा रहे, और धूप भी आ गया ना ऐसे मोमेंट पे, एकदम एकदम सुहाना सुहाना टाइप का मौसम लग रहा है। पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो गया, पर अच्छा लग रहा है, लग रहा है ना। मतलब काफी अच्छा टाइम है टोरंटो आइलैंड पे, आओ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, एकदम मस्त। सो आइलैंड पे ना साइकिल मिलती है, लास्ट टाइम मैंने ये चीज़ दिखा नहीं पाई थी। एक साइकिल का होता है पर आवर के हिसाब से 9.50, और ये 2 वाला जो साइकिल है वो पर आवर $18 होता है, और ये 3 वाला होता है वो आता है पर आवर $19, और ये 4 वाला है पर आवर $36। ऑनेस्टली देखा जाए काफ़ी महंगा है, तो मैं और सत्या सोच रहे थे कि शायद हम लोग साइकिल का देखेंगे अगर प्राइस सही रहा तो। हम लोग महंगा है तो खाना नहीं खा रहे, ये तो घंटे के हिसाब से $18 है, और एक घंटा में हम लोग दोनों आइलैंड कैसे घूमेंगे, पॉसिबल ही नहीं है, और लॉस ही है। और पहले हम लोग घूम चुके हैं, उसका ब्लॉग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, अगर आप लोगों को देखना तो आप लोग उसमें देख सकते हो। वैसे खास ज़्यादा कुछ है नहीं, सबसे अच्छा सेंटर आइलैंड ही है। मतलब कुछ दिनों के बाद सारे पेड़ों का हालत ऐसे होने वाला है, मतलब सूखा सूखा, एक भी पत्ती नहीं। अभी इधर धूप आके ना, मतलब अभी तो शाम के 4 बज चुके हैं, धूप आके ना जो ठंडी से बचाया है, मतलब मज़ा लेके आ गया है, वरना यहाँ पर ठंडी एकदम जानलेवा वाली है। तो ये धूप के चक्कर में अच्छा लगता है, वरना वो पानी में जो मैं इतना देर तक खड़ी होकर रील्स बना रही थी या फिर वीडियोज़ बना रही थी, उसमें से कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। धूप के चक्कर में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ये जो ट्रैक है ये एक आइलैंड से दूसरी आइलैंड पे सामान वगैरह कुछ लेके जाने के लिए ट्रैक बना हुआ है। वो कितने पत्ते गिरे हुए हैं। ट्रेन कहाँ पर है? ओ ये रहा, ढका हुआ है। तो ये वाला जो पेड़ है इसका कितना खूबसूरत सा कलर आया हुआ है, एकदम प्योर रेड, बहुत ही प्रीटी लग रहा है ये। एंड धूप भी आया हुआ है ना, तो थोड़ा सा ग्लोई ग्लोई सा लग रहा है पेड़ों पे।
और उस तरह ये वाला जो एक पेड़ है इसमें पता नहीं आप लोग को ये वाला ये एकदम थोड़ा सा ऑरेंज कलर में छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रही क्योंकि इसके कलर इतने खूबसूरत है। ऐसे बहुत सारे पेड़ हो गए इधर मतलब अलग अलग जगह पे और हम लोगों का वैसे भी हम लोग बहुत घूम लिए पर हम लोगों का फेरी आने में अभी काफी ज्यादा टाइम है। कितना टाइम है? एक घंटा और लगेगा तो हम लोगों के पास एक घंटा और है आइलैंड को थोड़ा और घूमने का। देखो काला कलर का गिलहरी यहाँ पर गिलहरी ब्लैक कलर के होते। भाग गया गिलहरी कितना क्यूट लगता है। ये कुछ खा रहा था डस्टबिन से निकाल के अभी साइकिल गया तो बेचारा डर गया। वाह क्या कैच पकड़ता है पक्षी सब। वाह प्रो है सब। ये चिप्स फेंक रहे और क्या कैच पकड़ा। वो ले गया। इधर अभी फ्लाइट आ रहा है क्योंकि बगल में यहाँ पर टोरंटो में एक एयरपोर्ट है आइलैंड में और एयरपोर्ट है यहाँ पर तो जस्ट इधर अभी फ्लाइट शायद गुजर रहा है तो आवाज़ सुनाई पड़ रहा है। और यहाँ से जो डाउनटाउन का जो व्यू आ रहा है ना यहाँ पर सीएन टावर वगैरह सब दिख रहा है मतलब ये ऑसम व्यू है। तो यहाँ पर लोग आ रहे हैं खाना खा रहे हैं टाइम स्पेंड कर रहे हैं मतलब बहुत ज़बरदस्त लगता है इस कॉर्नर पे। और चिड़िया सब तो बाप रे बाप खाने पे हमला कर रही है। मैंने एक शॉट लिया हुआ जहाँ पर चिड़िया सब कूद कूद के खाना पकड़ रहा है। एंड हम लोग बस अभी अपना फेरी का वेट कर रहे हैं। आज का तो घूमना घुमाना बहुत अच्छे से हो गया बस फेरी आएगा तब हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे। एंड यार आज का जो वीडियो है वो यही तक है। एंड प्लीज़ आप लोग बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो बाय बाय।